मेरे जूते गीले हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। राम 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 राम। ये तो इसलिए जब भी तुम लोग कभी भी नदी पार कर रहे हो तो पानी की तरफ ज़्यादा नहीं देखना, लंबी नज़र रखनी आगे। ला ला ला, राम 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 राम। ओ देखो साहिल भाई उधर से आगे दूसरी साइड से। खतरनाक साहिल भाई, जल्दी जल्दी निकलो, पेड़ कहीं ऊपर ना जाए। ओ हो, ये देखो भाई वहाँ से पूरा मलबा नीचे आ गया। और वो गाइस मौसम देखो यार, आज सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मैं तुमको बता नहीं सकता भाई। इस बरसात में जो है ना सबसे ज़्यादा खट जो है वो आज के दिन आ रखी है, और ये बारिश अभी से नहीं, सुबह से लगी हुई है। सुबह से भी नहीं, आई थिंक रात से लगी हुई है। ऐसी बरसात में जो है हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं, तो आज का ब्लॉग घर पे स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे यार अपने यूट्यूब फैमिली, हो कहते हैं सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सभी अपने अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो चलो यार अभी चलते हैं, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो मैगी लेके हम लोग आ चुके हैं। तो मैगी मूगी बनाते हैं, खाते हैं, अगर बारिश रुक गई तो बाइक उठा के हम लोग चल देंगे। ये देखो ठंड लगी है। हेलो गाइस, दादू यहाँ पे बढ़िया मज़े ले रहे बारिश के। और मेरी टोपी कहाँ रह गई यार, अब लग रहा हो ना बढ़िया। तो तू अब बोल रहे नहीं, क्या खा रहा, खाना खान, स्माइल देखो खान। वो भी ठीक है पे, बारिश बंद होगी तो और ले आएंगे। फिर मैंने तुमको पहले बताया मेरे को जो है ना वो भूलने की बीमारी लग चुकी है। अब मैं भूल जाता हूँ, मतलब कहाँ पे मैंने क्या चीज़ रखी है, कब क्या करा है। और ये देखो इधर मज़े से अब खाने लग गए, स्वाद है ना एनी। लो भाई खा भी रहे, बोला स्वाद भी नहीं है। चलो यार अभी लाइट तो है नहीं, तो अभी हम लोग यहाँ पे तुमको कुछ दिखा भी नहीं सकते, सीधी मैगी बनाते हैं, उसके बाद बाहर चल के तुमको दिखाते हैं ना, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो फाइनली गाइस यार अभी हमारी मैगी बन के रेडी हो चुकी है, ये तुम लोग देख सकते हो भाई। और देखने में भाई इतनी मस्त लग रही है, तो खाने में तो कितनी टेस्टी होगी। ओ भाई ऐसे मौसम में मैगी विद चाय, आहा मज़ा ही आ जाए। तो चलो पहले खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और बारिश अभी भी कंटिन्यूसली लगी हुई है, उधर देख तो बड़ी परी इग्नोर मारी, बड़ी परी इग्नोर मारी। तो अभी तुम लोग मौसम देख सकते हो यार, कितनी तेज धूप आ रखी है। और भाई आजकल मौसम का कुछ पता ही नहीं लगता है, कब बारिश हो जाती है, कब धूप आ जाती है एकदम से। अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा के साथ जाऊँ, क्योंकि अम्मा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। और दादा भी बोल रहे थे कि उनके लिए चप्पल वगैरह लेके आनी है, तो उन्होंने बता दिया अम्मा को नंबर नंबर जो भी था। बाकी मेन टॉपिक पे आते हैं गाइस, सामने तुम लोग देख सकते हो यार ये रही हमारी बाइक की बैटरी, जो कि कंपनी से आती है। तो अभी तुम लोग सोच रहे होने कि अगर हम लोगों ने इस बैटरी को निकाल दिया तो हमारी बाइक कैसे चल रही है। तो यार हम लोगों ने जो है वो आज अपनी बाइक की जो बैटरी है उसको चेंज करवा दिया है। हो गया यार हमारी जो बाइक है यार उसमें सेल्फ की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी स्टार्ट की, ऊपर से यार उसमें किक भी नहीं है। और इतना टाइम मतलब मैं बड़ा ज़्यादा खज्जल हो रहा था इतने दिनों से, बार बार उसको धक्का लगा के मेरे को स्टार्ट करना पड़ रहा था। और वैसे भी यार धक्का लगा के जो है बाइक्स को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उनमें जो है वो और ज़्यादा दिक्कत आती रहेगी। तो मेरे को बड़े ज़्यादा बंदों ने बोला कि पंकी भाई जो आप जो है अपनी बाइक में एक्साइड की बैटरी डलवाइए। तो मैं क्या ठीक है भाई, अभी देखते हैं ऊपर चल के तुमको दिखाते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। इतने दिनों से कभी पहले सेल्फ पे स्टार्ट नहीं हो रहा था भाई, अब तो इसकी बैटरी भी चेंज करवा दी है, अब तो स्टार्ट होना चाहिए पहले सेल्फ में। जय श्री, हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया भाई, दिल को सुकून मिल गया, मज़ा आ रहा है यार, सुकून सा मिलता है। ऐसे इतने दिन हो गए थे यार इसको धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ता था, कभी कुछ कभी कुछ, फिर मज़ा नहीं आता था। बाइक में कुछ दिक्कत हो ना फिर अपने को भी थोड़ा ऐसे ऐसे ही लगता है। ओ वो हाय राम, तभी मैं बोलूँ यार पूरा पानी ऊपर आ गया, शिट मैन पानी पी गया, रुका इधर दे दो मिल। तो हम लोग जो है पिछला वाला व्लॉग ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी भाई अभी सुबह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अभी काम पे। तो एक्चुअल में यार तुमको पता है पिछले रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यार खड्ड आ रखी थी भयंकर वाली, और हमारी जो पाइपलाइन है वो टूट चुकी है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। साथ में देखो भाई अपना रुद्रा, और भाई जंगल
घने जंगल से होते हुए हमारे को नीचे जाना पड़ता है क्यों। चलो चलते हैं, देखते हैं और तुम सभी को भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। अरे राम, नीचे न लगी। अपने साथ है अपने साहिल भाई और साथ में अपनी स्कूटी भी जा रही है और हमारा रुद्रा भी जा रहा है। एक तो यार हमारी बाइक की जो ग्राउंड क्लीयरेंस है ना बड़ी कम है, ऐसा लगता है नीचे लग ही जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ लगी नहीं। बाकी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बहुत ही गंदा रोड है, लेकिन ऐसा मान के चलो पिछले साल से तो अच्छी है, क्योंकि पिछले साल तो हम लोगों को इस रोड से पैदल जाना पड़ता था और भाई इतने नीचे जाके हमारा पंप हाउस है तो फिर तुमको पता है दिक्कत भी बड़ी ज़्यादा होती है। ये तो अच्छा है बाइक से तो हम लोग चले जाते हैं, पर नानी याद आ जाएगी इतने नीचे जाते जाते। ओ देखो साहिल भाई जा रहे हैं। ओ हो, आराम से साहिल भाई, एक हाथ में कैमरा एक हाथ से बाइक। ओह माय गॉड भाई ये क्या हो गया। ये देखो गाइस, ओ भाई लैंडस्लाइड देखो खतरनाक। साहिल भाई जल्दी जल्दी निकलो, पेड़ कहीं ऊपर ना जाए। ओहो, ये देखो भाई वहाँ से पूरा मलबा नीचे आ गया है, वहाँ से जो पूरी मिट्टी है ना वो नीचे आ गया है, मिट्टी के साथ भाई पेड़ भी नीचे आ गया है। ओ भाई खतरनाक। तो अभी हम लोग जो है वो नदी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं और भाई जो यहाँ पे साउंड आ रही है ना साले दूसरी लग रही है ना, आगे जैसे से दिखाते तुम्हारे को भाई। और डंडा हम लोगों ने लेके रखा है भाई, कहीं कुछ जंगली जानवर मिल गया। वैसे हमसे बड़ा जानवर तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि इंसान ही तुमको बताया सबसे बड़ा जानवर है आज के टाइम में। ओ भाई आगे देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है, मस्त लग रहा है ना व्यू है ना। बढ़िया भाई, बड़ा ज़्यादा पानी है, वहाँ चल के तुमको नज़दीक से दिखाते हैं। आराम से आइए साहिल भाई, मस्त है नज़ारा, मस्त है। वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अब वो हो ओ गुटते परंदा तेरा करदा कमाल ने मिलिया बुलौरी अखा कर दी सवार करे मटक मटक नी तू फिरनी दिखा। से गुजरते हुए वो तुमको हमारी पाइप दिख रही होगी भाई की, तुमको पता है उल्टे काम किए बिना हमसे रहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता भाई। मेरे जूते गीले हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। अगर तुम लोग इस पानी की तरफ देखते रहोगे ना भाई तुमको चक्कर आएंगे, तो इसलिए जब भी तुम लोग कभी भी नदी पार कर रहे हो तो पानी की तरफ ज्यादा नहीं देखना, लंबी नजर रखनी आगे, ऐसे ऐसे पैर मारना ऐसे, ये ऐसे सीधा सीधा नहीं चलना कभी। ओ या मैन फाइनली वी डिड इट। ओ देखो साहिल भाई उधर से आगे दूसरी साइड से। ओ भाई भाई इसने डरा दिया कसम, मैं क्या भाई क्या आया ये यार। ओ देखो भाई माँ कसम मैं क्या गया, मैं सांप सूंप हाँ माँ कसम इसने तो रहा हवा टाइट कर दी मेरी। अभी हमारे को जो है यहाँ पे आए हुए लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए और भाई देखने में जो काम जितना आसान लगता है ना उतना होता नहीं है, और अभी भी थोड़ा बहुत काम रह चुका है, आगे लाइन ब्लॉक हो रखी है। तो लगभग ऐसा मान के चलो कि 1.5 घंटे के बाद जो है हम लोग यहाँ से फ्री हो ही जाएंगे। बादल फिर से आ गया रहा, मेरे को लगता है अगर रात को फिर से बारिश हुई तो ये फिर से चला जाएगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। होप सो सुबह को हमारा टैंक फुल मिले यार, लोगों को भी दिक्कत ना हो तो हमारे को भी दिक्कत नहीं होगी, सारे खुश रहें। बाकी चलो चलते हैं, चलें। साहिल भाई तो खड्ड में नहा भी लिए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस। मोटा ठंडा पानी है रहा।